गाइस, तो फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी, आई होप ठीक होंगे। तो मैं और मम्मी अभी ना मार्केट जा रहे हैं क्योंकि मुझे अपने लिए एक सूट लेकर आना है, क्योंकि कल ना शिवानी की बहन की हल्दी है तो इसीलिए मेरे को सूट लेकर आना है। और मेरा ना चश्मा टूट गया था और मैंने इसमें भी फेविक्विक लगा रखा है, इसीलिए अभी मैंने इसे हाथ में पकड़ रखा है। और उसके बाद मैं और मम्मी बैठे उठूँ मैं, और मैंने ना एक सूट ऑर्डर करा था बट वो मैंने गलत एड्रेस पे कर दिया, इस वजह से मैं अब लेने जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग आगे मार्केट, और मार्केट में इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन आ रखा था ठंडे के कपड़ों का, मतलब मैं जहाँ नज़र घुमाई थी ना वही चीज़ मेरे को पसंद आई थी। बट मैं तो बस सूट लेने गई थी ना, तो बस अभी सूट के लिए दुकान देखते हुए तो हमें एक दुकान अच्छी लगी जिसमें से हमने यहाँ पर सूट सेलेक्ट कर रहे हैं। और मेरे को ना येलो कलर का सूट मिल ही नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था। और हम लोगों ने फिर सूट ले लिया, और सूट लेने के बाद हम लोग चले गए थे बैंगल्स की दुकान पे। मेरे को अपने लिए उसी कलर की बैंगल्स भी लेनी है, तो हम मैंने और मम्मी ने मतलब मेरे लिए बैंगल्स ली। और हम लोगों ने ना रेलवे रोड गए थे हम लोग, तो रेलवे रोड की कचौड़ियाँ सॉरी टिक्की खाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये है मेरी प्लेट। उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए जो कि बहुत ज़्यादा गंदे थे यार, सीले हुए थे और इसमें पानी में भी स्वाद नहीं था कुछ भी। शोमी क्या हुआ, क्या हुआ शोमी? शोमी भाई मम्मी का है? मम्मी तो नहीं आई अभी, मम्मी तो नहीं आई है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ शोमी, यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ, बेटा ऊपर चढ़। हाँ क्या हुआ? पता, मैं डॉग से मिलकर आई, किसी मैं डॉगी से मिल के आई हूँ। तो गाइज़ अभी मैं तो आ गई हूँ बट अभी मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी को ना दवाई भी लेनी थी अपनी, उनकी तबीयत ख़राब है। तो वो और तानी दी तो दवाई लेने चली गई और मैं आ गई हूँ। और मेरा भाई अभी टीवी देख रहा है और स्वामी मेरे साथ यहाँ पर लेटी हुई है। और स्वामी की भी दवाई लेनी है क्योंकि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि स्वामी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए इसके लिए भी दवाई लानी है। और ये खाना भी नहीं खा रही है अभी दो दिन से। तो अभी मम्मी ने दवाई लेकर आ गई और मम्मी ये सब्जी लाई थी तो इनको इस डब्बे में रख रही हूँ। और ये स्वामी के लिए एक बॉयल एग लाए हैं। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का भूमि की रसोई में। तो हम लोग, हमें खाना बनाने नहीं आता है इसलिए हमने एक कटोरी में अलग से नमक मिर्च डाली अपनी बहन से पूछ के। तो मैं यहाँ पे चावल बना रही क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा इजी है, और मैंने यहाँ पे अपना हाथ जला लिया था क्योंकि चावल ना बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। मैंने बस लहसुन प्याज और आलू काटा और बस ये दो ये तीन चीज़ डाल के मैंने बना ली। और मेरे को और मेरे भाई को ही खाने, और मेरी बहन और मम्मी खा नहीं रही है तो इसलिए ये मेरे साथ में हेल्प करवा रहा है। तो मैंने कहा हम दोनों को खाने हैं तो तू भी मेरी हेल्प करवाएगा, तो ये साथ में ना क्या कहते हैं साथ में साफ सफाई करवा रहा था। और उसके बाद मैंने जब मसाला पक गया मैंने यहाँ पे डाल दिए चावल, और चावल के ना कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से निकाल लेंगे जो चावल बच गए हैं कटोरे में। तो मैंने यहाँ पे चावल निकाल लिए जो कटोरे में बच गए थे, और देखते हैं कैसे बनते हैं। यार मेरे को ना सच्ची बताऊँ मेरे को कुकिंग करनी नहीं आती है ढंग से, कुछ चीज़ बनानी आती। मेरे को रोटी होगी, मैगी होगी और चावल बना लेती हूँ तुक्के से, वो भी अपने बहन से नमक मिर्च वगैरह पूछ के। और यहाँ पर मेरा भाई अभी साफ़ सफाई कर रहा है। तो मैंने चावल बना लिए हैं और साथ में ये लिया है अचार, और ये चावल, और ये स्वामी स्वामी। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए चाय बना रही क्योंकि मेरे भाई और बहन तो गए हैं स्कूल, मैं नहीं गई तो बस मैं और मम्मी है चाय पीने के लिए। तो मैं बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और आज जाना है मेरे को शिवानी की बहन की हल्दी में, तो मेरे को ना 9-10 बजे तक जाना है। तो अभी जल्दी से चाय बना के रेडी वगैरह हो जाते हैं। और अभी ना 9 ही बज रहे हैं और मैं साथ में अनुपमा भी देख रही थी, तो मैं ना अभी नहाकर आ चुकी हूँ, मैंने सूट भी पहन लिया। और यहाँ पे मम्मी मेरी कर रही है छुट्टी, और मेरे को 9:30 बजे तक पहुँचना था और मैं यहाँ पे 10 बजे से रेडी ही हो रही हूँ। और मेरे को ना यार येल्लो सूट नहीं मिलाता इसलिए मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का सूट पहन लिया था और यहाँ पर मैं अपनी इयर रिंग्स पहन ली, छोटी तो हो गई है। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलते हैं शिवानी के घर के। इधर हो ना, इधर दिखा। पिन नहीं है यार। पिन देख ले, सिंगारदानी निकाल ले, उसमें से निकाल ले। तो सिंगारदानी रेड वाली सिंगारदानी उसमें से निकाल। हाँ लगा,
मस्कारा भी लगाना, लाइनर लगा दो आप, लाइनर भी लगा, मस्कारा भी लगाना, आप लगाना। तो गाइस रेडी होने के बाद ना मैं चल दी थी शिवानी के घर, और मैंने यहाँ पे अपनी फ्रेंड यज्ञा को भी लिया। और ऑटो से उतरने के बाद हमें बहुत पैदल जाना पड़ता है यार, अंदर उसके घर बहुत अंदर है। तो अभी आ चुके हैं हम शिवानी के घर पे, और उसकी बहन की हल्दी बस स्टार्ट ही हुई थी। फिर उसने हमें ना ये टीके पहनने के लिए दिए, जहाँ पे ये यज्ञ मेरे को भी टीका पहना रही, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे टीका पहन लिया है, और यहाँ पे शिवानी भी अपना व्लॉग शूट कर रही है। और ये शिवानी की बहन जो आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसके बाद इसकी बहन की हो गई थी हल्दी स्टार्ट, और हमारी भी ना थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगाई थी। और उसके बाद ना हम लोगों ने खूब सारा डांस करा हल्दी होने के बाद। और हाँ, आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पर जाएंगे वीडियोस बनाने के लिए, तो वीडियोस बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। और मैं अपने आपको यहाँ पे इंस्टा की लिंक आईडी भी दे दे रही हूँ, वो भी जाके फॉलो कर लेना। और खाना खाने के बाद हम लोग ना घर के तरफ चल गए थे, यज्ञ को तो हमने उसकी गली में छोड़ दिया, मैं और मेरी बहन कोचिंग चले गए, तो अभी हम कोचिंग से वापस ही जा रहे हैं अभी। तो गाइस अभी बज रहे हैं ना 5:30, और मैं थोड़ी देर सो गई थी, और मेरा मस्कारा आईलाइनर सारा फैल चुका है, तो मेरा फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं करा, तो अभी बस फेस वॉश करूँगी और अपनी चोटी वगैरह भी सही कर लूँगी। उसके बाद ना मैं स्वामी को घुमाने ले गई थी, तो पहले ना स्वामी का पट्टा टाइट कर लेते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ढीला होता है, स्वामी गले से छुड़ा लेती है। और पट्टा टाइट करने के बाद मैंने इसको इसकी रस्सी बांध दी, और बस इसे घुमा के लाती हूँ। और स्वामी ना घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, और ज़्यादा घूमती नहीं, क्योंकि बाहर पिल्ले हैं ना, उन पिल्लों को देख के वापस आ जाती है पता नहीं क्यों। तो बस अभी चलो स्वामी को घुमाने चलते हैं। और स्वामी को घुमाने के बाद मैंने खाया खाने, इसमें परांठे थे और ये आलू की सब्जी थी। और व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी।